कौन कहते हैं कि मीशो अच्छा नहीं है और क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्चुअल में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे कम पड़ा है और अभी तो ना ये 283 रुपीज में मिल रही है, तो अगर आपको लेनी है ना तो आप फटाफट ले लो, मैंने तो 2-3 रुपए महंगी ले ली। आपको मैं मीशो को और बैनिक को ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसके बाद हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो का शॉर्ट कुर्ती हॉल। यस गाइस, पिछली बार मैं आपके लिए लेकर आई थी अनारकली हॉल लेकर आई थी, जिसपे मैंने आपको बताया था कि मैं कंबाइंड करके ही ये दोनों वीडियोस डालना चाहती थी। मैं ये शॉर्ट कुर्तीज भी उसी के साथ कंबाइंड करना चाहती थी क्योंकि दोनों ही ट्रेडिशनल था, लेकिन वो वीडियो इतनी लंबी बन गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट कुर्तीज मीशो की, वो भी बहुत कम प्राइजेस में। प्राइजेस छोड़ो गाइस, क्वालिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है और डिजाइन भी इतने अच्छे हैं ना, आप देखोगे ना तो आप खुद इंप्रेस हो जाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट कुर्ती से। तो गाइज, ये है मेरी मीशो की फर्स्ट कुर्ती, मैंने खोल के देख ली थी। आपको पता है सबसे पहले मैं खोल के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कैसी लग रही है, अदरवाइज अगर अच्छी लगती है तो ही आपके लिए बनाती हूँ, वरना रिटर्न कर देती हूँ, और क्वालिटी के बारे में बताकर भी मैं रिटर्न कर देती हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी पहली कुर्ती है ये पिंक कलर की, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है इसका लुक। तो गाइज, इसका लुक ना कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो, मैंने ना गेट रेडी विद मी भी बनाया है इसके साथ अपने यूट्यूब पर। इसका लुक कुछ ऐसा है, ये अनारकली टाइप ही है बट वो शॉर्ट में नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, मुझे ना ये काफी लूज है, हालांकि पहनने के बाद ये इतनी सुंदर लग रही है ना, सीरियसली इतनी सुंदर मुझे लगी ना। इसको मैंने ना व्हाइट पैंट के साथ आपको दिखाने के लिए कैरी किया था, अदरवाइज यू कैन वेयर इट विद एनीथिंग, है ना, आप जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, लेकिन मैं अगर इसको कैरी करूंगी ना तो मैं इसको व्हाइट प्लाजो के साथ कैरी करूंगी। आप पिक्चर देख सकते हो कि पिक्चर में कैसी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही मुझे रिसीव हुई है जैसे पिक्चर में थी। हालांकि मेरे को लगता है मैं ना साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा मंगवा लेती हूँ, एक्सेल मंगवा लेती हूँ, डर के कि कहीं छोटा ना आ जाए, इस चक्कर में बहुत बड़ा साइज आ जाता है। और आपको बताऊं, इसका जो स्टफ है ना जैसा पिक्चर में था वैसे ही रिसीव हुआ है, बिल्कुल डिजाइन भी वैसा ही है, स्क्रीन पर आप देख सकती हो ये कैसा लग रहा है। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो वेट, मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, मैंने 300 कुछ की मे बी ये मंगवाई है, मुझे उससे कम की पड़ी है क्योंकि हम ऑनलाइन पे करते हैं तो हमें कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, तो मैंने ये 324 रुपीज की मंगवाई है। गाइस, पिक्चर में आप देख सकते हो इस लड़की ने भी ब्लू जीन्स के साथ कैरी की है, तो आप भी ब्लू जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको व्हाइट पैंट के साथ कैरी करके दिखाया है। ये जो हाथ में डिजाइन है ये भी बिल्कुल सेम है जैसा पिक्चर में है। तो मुझे बताना आपको ये कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको ये मंगवानी है तो मंगवा सकते हो, लिंक मेंशन कर दूंगी और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, इसके मैं शॉर्ट्स भी डालूंगी, जितनी ज्यादा पहुंच सके ये वीडियो मेरे शॉर्ट्स के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और ये कुर्ती ना गाइस मैं रख रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं रख रही है, मैं अपनी मम्मी के लिए रख रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल परफेक्ट आई है, मुझे भले ही लूज हो लेकिन उनको बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट शॉर्ट कुर्ती की तरफ। सो गाइस, मेरी नेक्स्ट कुर्ती है ये, मैं आपको दिखा दूं, इसका स्टफ कॉटन स्टफ है, बहुत अच्छा है, सीरियसली आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। इसका स्टफ मुझे इतना कंफर्टेबल लगा ना समर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन गाइस अगेन मैंने एक्सेल मंगवाया है और मुझे ये भी काफी लूज है, लेकिन इसका कपड़ा इतना कंफर्टेबल है। आजकल लूज लूज मैं तो बहुत लूज कुर्तीज भी कैरी कर लेती हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे पिक्चर में वैसे ही मुझे रिसीव हुई है, अगर मेरे साइज की आती ना तो एग्जैक्टली जैसा पिक्चर में ना वैसी ही मुझे दिखती। ये अभी मुझे आपको ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे पिक्चर वाली रिसीव नहीं हुई। इसको आप ब्लू जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबल है, समर्स के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है।
इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मेंशन करूंगी। इस कुर्ती का बताऊं तो ये मैं भी पहन लूंगी और मैं अपनी मम्मा को भी पहनने के लिए दे दूंगी, क्योंकि ये भी मेरी मम्मा को बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आप लुक देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी रहती है। समर्स में तो ना कभी कभी कहीं आपको जाना हो, मंदिर जाना हो, कहीं भी जाना हो, ट्रेडिशनल जगह भी जाना हो या कॉलेज भी जाना हो, तो ऐसी कुर्तीज काफी चलती है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि पिक्चर में ना कट है, उतना कट नहीं दे रखा, लेकिन साइड में थोड़ा सा कट है, आप चाहो तो कटवा सकते हो। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ ना, तो ये भी मैंने बहुत कम प्राइस में मंगवाई है, और क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है ना, तो मुझे इसका प्राइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा। ये मैंने सिर्फ 295 रुपीज की मंगवाई है, ऑनलाइन पे करने में मुझे कम पड़ा है, और अभी तो ना ये 283 रुपीज में मिल रही है। तो अगर आपको लेनी है ना तो आप फटाफट ले लो, मैंने तो 2-3 रुपए महंगी ले ली, आपको सस्ता पड़ेगा। तो बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। मेरी नेक्स्ट कुर्ती कौन सी है? सो गाइस, मेरी नेक्स्ट कुर्ती है ये, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, बाकी आप पिक्चर देख लो कि पिक्चर में कैसी लग रही है। ये बहुत ट्रेंड में है, आपने देखा होगा यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम पे भी, गेट रेडी विद मी, और ये मीशो में बहुत ट्रेंडिंग है। अलग अलग मतलब ब्रांड्स जो हैं ये अपने स्टाइल में कुछ इस कुर्ती को मंगवा रहे हैं। तो मैंने ये येलो कलर की मंगवाई है, शिफॉन की। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे इस कुर्ती में लगी ना, सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं और से नहीं अभी तक ली ऐसी कुर्ती, है मेरी फर्स्ट कुर्ती है इस टाइप में, ठीक है। इसके अंदर ना विजिबिलिटी नहीं है, मतलब बाकी मुझे ऐसा लगता है, एक मेरे पास ना लॉन्ग में कुर्ती थी, उसके अंदर इनर कैरी करना पड़ रहा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ये चीज ट्रांसपेरेंट है तो यहां पर ना अंदर कपड़ा है, आप देख सकते हो ये कपड़ा दे रखा है, कि मतलब अगर आपको अंदर इनर भी ना कैरी करो ना तो चलेगा। और आप ये देख सकते हो कितना ब्राइट कलर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसका भी मैंने एक्सेल मंगवाया था, ये भी थोड़ी बहुत लूज है मुझे, लेकिन इट्स ओके, इसको मैं ही पहनने वाली हूँ, अपनी मम्मी को नहीं देने वाली हूँ। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको भी मैंने व्हाइट प्लाजो के साथ कैरी करना है, वैसे तो आपको दिखाने के लिए मैंने व्हाइट पैंट्स के साथ कैरी कर लिया। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लगी है, देखो मुझे तो ना बहुत सुंदर लगी, कलर बहुत ज्यादा डार्क है, कई लोगों को इतना डार्क कलर पसंद नहीं आता है। आप पिक्चर देख सकते हो कि जैसा पिक्चर में था वैसे ही मुझे रिस हुआ, हालांकि पिक्चर में जो कलर मैंने मंगवाया था ना वो इससे लाइट था, लेकिन यही है, आप देख सकते हो कैसी लग रही है। और तो मैं आपको इसका प्राइस बताऊं, मैंने ये सिर्फ 277 रुपीज की मंगवाई है, सीरियसली मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि मेरे यहाँ कमला नगर मार्केट है, वो लोकल है, वहां से यही कुर्ती 350-400 की मिल रही है। आप देख सकते हो, इसको चिकनकारी कुर्ती कहते हैं ना, ये देखो मैं इसका पूरा लुक भी आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप स्क्रीन पर भी देख ही रहे होंगे कैसा लग रहा है ये, है ना। तो अगर आपको मंगवानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है। जितना हो सके मेरे वीडियो को जरूर शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगे मेरा, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरा पुराना कॉन्टेंट भी देखना, कि मैंने क्या क्या मंगवा चुकी हूँ अब तक मीशो से। अभी मैं मीशो को और बैनिक को ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसके बाद कहीं और जाएंगे, वैसे मैंने लिटिल बॉक्स को भी काफी एक्सप्लोर कर लिया। अब बढ़ते हैं मेरी लास्ट कुर्ती की तरफ। मेरे पास चार ही थी, चार अनारकली सूट मंगवाए थे, चार मैंने ये मंगवाए थे, अनारकली का भी वीडियो आप मेरा देख सकते हो। तो बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट और लास्ट कुर्ती की तरफ। सो गाइज, ये है मेरी लास्ट कुर्ती, ये है मिशो की मेरी लास्ट कुर्ती, ये ब्लैक कलर में है, जैसी पिक्चर में वैसी मुझे दिसी हुई, लेकिन मुझे थोड़ी सी टाइट लगी है, मुझे तो समझ ही नहीं आता मिशो का एक्चुअली कौन सा साइज मुझे आता है। हालांकि ये एक्सेल है गाइस, ये एक्सेल है, बाकी तीनों भी एक्सेल थे, लूज है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा टाइट है, ये शॉर्ट में आ गई। जैसे आपने मेरी फर्स्ट कुर्ती देखी थी ना, वो भी बिल्कुल सेम स्टाइल है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग में आ गया, और ये आ गया बिल्कुल ही शॉर्ट में। इसको मैंने ब्लू जीन्स के साथ कैरी किया है, मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि थोड़ी बहुत फिटेड है। और मैं आपको बताऊं, इसका स्टफ ना, मुझे ये कॉटन स्टफ है, हल्का सा श्रिंक होगा, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत तो लूज है ही, तो मुझे चलेगा, मम्मी को मैं दे नहीं सकती तो मैं खुद रखूंगी, और वापस अब मेरा मन ही नहीं है वापस कराने का, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी होनी चाहिए हमारे पास, इसलिए मैं वापस नहीं करवा रही। इसके साथ आप देख सकते हो ये जो स्लीव्स है उसमें ऐसे डोरी दे रखी है, आप इसका बो बना सकते हो। बाकी जैसा पिक्चर में वैसी ही मुझे रिसीव हुई है, आप देख सकते हो कि कैसी लग रही है पहनने के बाद।
कौन कहता है कि मीशो अच्छा नहीं है और क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्चुअल में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल कपड़ा ना ठंडा कपड़ा है, मतलब कॉटन का कपड़ा है कि आप समर में ना बिल्कुल कैरी कर सकते हो, समर में पहन सकते हो। इसका प्राइस बताती हूँ मैं आपको, इसका प्राइस क्या है, कितने में मैंने मंगवाई है ये जो मैंने कुर्ती मंगवाई है गाइस, और बल्कि अगर आप ऑनलाइन पे करते हो ना तो आपको और कम पड़ता है। ये मैंने मंगवाई है 293 रुपीज में, स्क्रीन पर देख सकते हो। हालांकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ना थोड़ा बहुत चेंज है, हल्का सा प्रिंट में चेंज है, अदरवाइज ये कुर्ती एग्जैक्टली वही है जो मैंने मंगाई थी, 293 रुपीज की है। मुझे लगता है बेस्ट है, बहुत अच्छी है। आपको भी मंगवानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके, लिंक पे जाके मंगवा सकती हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। बाय एवरीवन, टेक केयर।